कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं यहां जालौर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है गमंडिया गठबंधन। क्यों क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है,
कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।